हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन में। आज हम करने वाले लोकी सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताना जरूर कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी उच्चो एलायथ को मारने के बाद एक कैसल के पास पहुंचते हैं। उस कैसल के चारों तरफ सेक्रेट टाइमलाइन थी। अब लोकी और सिल्वी कैसल के अंदर जाते हैं। सडनली वहाँ मिस मिनट आ जाती है। मिस मिनट कहती है कि वो आपसे डील करना चाहती है। फिर वो बताती है कि वो मींस ही हु रिमेंस, जिसने टीवीए बनाया है। मिस मिनट उनसे कहती है वो कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे तो वो अपनी खुद की टाइमलाइन बना सकते हैं जहाँ वो रूल कर सकते हैं। उन्हें जो चाहिए ही हु रिमेंस देगा। लेकिन लोकी और सिल्वी उसकी बात नहीं मानते और अंदर चल जाते। और अंदर उन्हें मिलता है सीजन 1 का मेन विलेन यानी ही हु रिमेंस। अब दोनों से मारने की कोशिश करते लेकिन मरता नहीं, वो उसे मार नहीं पाते। अब ही हु रिमेंस उन्हें अपने ऑफिस पर ले जाता है और सिल्वी उसे पूछती है कि वो उसे मार क्यों नहीं पाते। वो बताता है कि उसने सब कुछ देखा है, वो मिलियंस ऑफ मिलियनियर्स से यहाँ पर है। उसने ही लोकी और सिल्वी को यहाँ तक आने दिया और वो सब कुछ जानता है आगे क्या। दूसरी तरफ मोबियस रोवाना को मारने आता है लेकिन रोवाना उसे धक्का देकर गिरा देती है और टेम्पलेट से वहाँ से चली जाती है। अब ही वो रिमेंस लोकी और सिल्वी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह पर बैठो, पर लोकी और सिल्वी को उस पर विश्वास नहीं। वो सोचते हैं कि ये बंदा जिसने सब कुछ कंट्रोल किया है, पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, ये क्यों चाहता है कि हम उसकी जगह पे बैठें। वो लोग समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि वो उनसे झूठ बोलता है और वो उन्हें मार देगा। फिर वो कहता है वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो सेक्रेट टाइमलाइन को बचा सके, वो कोई मल्टीवर्स ना हो, क्योंकि अगर यह सब हुआ तो उसी के वेरिएंट ये मल्टीवर्स करेंगे और वो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अब ही हु रिमेंस उन्हें समझाता है कि उसी का एक वेरिएंट जो 31st सेंचुरी में अर्थ एक साइंटिस्ट है, वो जान जाता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने ही वेरिएंट से मिलता है। बहुत सारे वेरिएंट जो उसी की तरह थे, जो साइंटिस्ट थे, वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। वो सब अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, पर उनमें से ज़्यादातर बहुत बुरे होते हैं और उनके बीच वॉर हो जाती है। फिर एक वेरिएंट जो ही हु रिमेंस है वो अलायत को काबू कर लेता है और उन सबको मार देता है और एक अपनी खुद की सेक्रेट टाइमलाइन बनाता है, और वो टीवीए को भी बनाता है ताकि टीवीए उस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करे और कोई भी मल्टीवर्स ना हो। अब वो लोकी और सिल्वी को दो ऑप्शन देता है, या तो वो उसे मार दे और सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि फिर से मल्टीवर्स हो जाए, और या वो उसी की जगह पर आ जाए और टीवीए को संभालें और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन पे रूल करें। लेकिन सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है, तभी लोकी उसे रोकता है और लोकी को लगता है कि वो सच बोल रहा है। लेकिन सिल्वी को लगता है कि लोकी उस थ्रोन को पाना चाहता है, सिल्वी को उस पर विश्वास नहीं होता। वो लोकी को मारने लग जाती है, पर लोकी उसे बार बार कहता है कि मुझे थ्रोन नहीं चाहिए। फिर लोकी उसे भरोसा देता है कि उसे ना ही ये सेक्रेट टाइमलाइन पे रूल करना है, ना ही कुछ करना है उससे, वो बस सिल्वी को चाहता है, वो चाहता है कि सिल्वी खुश है। फिर दोनों किस करते हैं। फिर सिल्वी चालाकी से ही हु रिमेंस का टेम्पलेट उठा लेती है। फिर वो उस टेम्पलेट से एक पोर्टल बनाती है जिसके थ्रू वो लोकी को धक्का देके वापस एक टीवीए में भेज देती है, और फिर सिल्वी ही हु रिमेंस को मार देती है। मरते मरते वो हंसते हंसते उससे कहता है कि वो उसे जल्दी ही मिलेगा। दूसरी तरफ लोकी टीवीए में मोबियस को सब बताने लगता है, लेकिन मोबियस उसे पहचानता नहीं। और जब लोकी बाहर देखता है तो वहाँ टाइम कीपर्स की जगह अब कैंग द कॉन्करर की स्टैचू रहती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है और एक जगह लिखा रहता है कि लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2, और यहाँ एपिसोड खत्म।